हेलो गाइस, आज हमारा टूर्नामेंट का मैच है, तो मैंने सोचा यार इस पे व्लॉग बनना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश है, आपको बहुत मजा आने वाला है। आज का व्लॉग ना बड़ा कमाल है, क्योंकि इसमें फन भी है, ड्रामा भी और नॉलेज भी, और वो सारी चीजें तो मैच से पहले आपने करनी है, मैच के बाद करनी है, बीच में करनी है। ये देखिए वर्कआउट आप देख लीजिए, स्लो रनिंग, स्ट्रेचिंग एंड देन स्ट्राइड, स्प्रिंट, एवरीथिंग। और इस तरह से आपने भी करना है ताकि आप मैच से पहले अच्छे से वार्म हो जाए, आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाए, जो कि जरूरी है। जब बॉडी एक्टिवेट हो जाती है तो आप अपनी हर चीज खुल के कर पाते हैं, और वही एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्लेयरों को जरा देख लेते हैं। ये बंदा ऐसे ही है, इसको नहीं पता कब क्या बोलना है। और बाकी आप देख लीजिए मंकी जंप वगैरह बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, लंजिस कर रहे हैं, बड़े अच्छे से एफर्ट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को खोल रहे हैं, और ये चीज इनको बड़ा काम देगी। वे मैच में फील्डिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, तो एक्टिवेट रहेंगे पूरी तरह। गाइस अब ये टॉस होने जा रहा है मैच के लिए। ये अविनाश सर हमारे काफी पुराने एम्पायर हैं, डीसीए से एफिलिएटेड हैं, और बहुत एक्सपीरियंस है ना एम्पायरिंग का। और अब टॉस स्टार्ट होता है, देखते क्या होता है। यूसुफ एक मिनट रुको, माइक नहीं लगा रहा। यही जो बता रहे थे, अंदर और क्या 35 ओवर मैच, पहला पावर प्ले 7 का, उसके बाद आखिरी 7 का, ठीक है। तो गाइज ये टॉस जीते हैं यूआईसी के टीम के कैप्टन। तो हाँ जी टॉस जीती, क्या करना चाहते हो? टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि विकेट पे थोड़ा मॉइस्चर है और कंडीशंस भी काफ़ी बॉलर्स के लिए हेल्पफुल है, तो हम उस कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करेंगे और वी विल स्टिक टू आवर प्लान एंड वी विल विन द मैच। थैंक्स थैंक्स। बस सही। तो गाइस 35 ओवर्स का मैच है, अपन को कंडीशन का पूरा बेनिफिट उठाना है, जो कि हमने टॉस जीत के। ये पांडू को क्या दिख गया, कैसे दिख रहा है? पहले बॉलिंग दी है, बॉलर जो पेस बॉलर उनका बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, आप लाइन पे बॉल डालेंगे और फील्डर एक दूसरे को बैट करना, ठीक है ना। आप फील्डिंग में एक्टिव रहेंगे, चांस जो बन रहा है उसको पकड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक डिसेंट टोटल पे इनको रोक सकते हैं। तो सब तगड़े होकर खेलेंगे, ठीक है। चलो 1 2 3 दिख रहा है, पोटेंशियल दिख रहा है, ये अच्छा कर सकता है। और ये प्लम सामने, बहुत बढ़िया बॉल, बढ़िया बॉल, लेकिन अंपायर बिल्कुल लगता है अंपायर की आंखें नहीं खुली, सामने का प्लम मिस कर गए, ऐसा चश्मा लगा रखा है सर, ना इंसाफी है। तो टॉप क्लास बॉलिंग, टॉप क्लास शॉट, मजा आ गया। अबे बॉल पकड़ रहा मच्छर, बीट, अरे का बाबू, हवा हवा में बैट चला रहा है, हवाबाजी में बीट हो रहा है, ये गलत बात है। कमाल का झाड़ू शॉट, मजा आ गया, वाओ क्या ड्राइव है, उम्दा पे कमाल का ड्राइव, शानदार शॉट, बहुत ही लंबा छक्का, इसी के साथ पहली सफलता ले लाई ना बल्ले, बढ़िया शॉट, लव टांग उठाई और पुल कर दिया, शानदार चौका। अरे सेम टू सेम कॉपी बुक, कमाल हो गया, पैरों पर गेंद और बाउंड्री की शरण में गेंद, कमाल की बैट है। अरे ये क्या करा अपने आप, भागे जा रहा बंदा, ये क्या कॉल कर रहा है, ये देखो आउट। युगांगू ने बोल डाली और बंगांगू शॉट, लंबा छक्का, युगांगू की टांग चीर फाड़, फील्डिंग कमाल। अरे महाबली कैसे सीरियस है, किसको मारना चाहते हैं? अरे ये बंदे को रो रहा है तो जब आते करेगा तो रोएगा ही, फिर साथ देने वाली बात क्या है भैया, उसने यार उसको उसने यही तो बोला कि भैया बुलवा के दिखाओ, ये बोला उसने, उसने कहा कैप्टन बुलवा के खिलाओ, ये बोला, ये बोलना होता है, ये बोलना ठीक है क्या, तू बता। क्या हो गया, रो क्यों रहा भाई, हैं? ओए चल कोई बात नहीं, कोई बोल नहीं रहा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं चीज गलत उसमें, अरे वो तो होता नहीं, चल तू क्यों परेशान हो रहा है, नहीं गलती है तो रो क्यों रहा है, जो भी भैया तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं या समटाइम नहीं भी गलती बोल रहे, तो कोई बात नहीं, तो प्लेयर बन के दिखाना सबको,
दिया होगा मान ले, नॉर्मल बोला है सर, वो अपने सुन तो ले पाने के लिए बोलते हैं। हाँ हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, सम टाइम क्या होता है हमने बोल दिया हमारी टोन थोड़ी डिफरेंट होगी उनको बुरा लगा, बट वो बुरी नहीं होती सम टाइम चीज़ें, वो सिचुएशन बेस्ड रहती है, तो उस चीज़ को तू परेशान मत हो। अगर नहीं भी गलती तो बोल दे भैया सॉरी ऐसे करके कुछ ही बोल दे, क्या दिक्कत क्या, पार्ट ऑफ लाइफ है यार, सीख सिर्फ, कुछ मत आर्ग्यू कर, सीनियर है तेरे से, कुछ गलत बोल भी रहना बिगर बात के तो कोई दिक्कत नहीं है, तू अच्छा प्लेयर है, अपने आप को नॉर्मल रख। कुछ नहीं अच्छा सर, जब ऐसे होता है ना दिमाग और का, अबे रुक जा, नहीं करना कुछ, क्यों नहीं करना, मैं नहीं तेरे साथ, ये जैसी है ना इसको तुझे ही सॉल्व करना है, अब तू टूटेगा तो कैसे सॉल्व कर पाएगा, कर पाएगा, तू रोने लगता है, तू बड़ा हो रहा बच्चा नहीं है भाई, समझ रहा है, रोना धोना बंद कर, रोना बंद कर बिल्कुल, नहीं छोड़ रहा सर। अब एक बार वीडियो में बोल गाइस कि मैं मेहनत करूँगा और जो मेरे अंदर कमी है और इम्प्रूव करूँगा, बोल जरा मेरे पास मुंह करके बोल, मेरे से प्रॉमिस कर, मेरे से कर प्रॉमिस, बोल बोल करूँगा सर, पक्का तेज से बोल, पक्का करूँगा। हाँ तो रोया मत कर, रोएगा तो नहीं आज के बाद, नहीं। देख ले पक्का ना, पक्का, तू अगर दिल से साफ है दिल से अच्छा है तो तू ज़रूर कामयाब होगा, अपने मन में ना मैल मत रख किसी के लिए, तेरे साथ बुरा हो रहा है तेरी गलती है इसमें, तेरी गलती है। सम टाइम बुरा होता नहीं, हम सोच लेते हैं बुरा हो रहा है, नॉर्मल रहती है चीज़ें, अगर वो तो डांट दिया बोल दो कोई बात नहीं, छोड़ ना, यहाँ से सुन यहाँ से निकाल, अच्छी चीज़ सेव रखनी है, बाकी हाँ जी भैया ठीक है मेरी गलती हो गई, मान ली गलती नहीं भी है, मान लेगा तो वो जो है ना बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, बात बढ़ानी नहीं है भैया, आगे से ध्यान रखूँगा बात ख़त्म भाई, क्योंकि आगे बढ़ना फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना, अब रो मत, रिलैक्स हो दादा, मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स देख रहे हैं सीनियर को भी ये समझाना चाहूँगा, सम टाइम यार छोटे नोटी रहते हैं, छोटों को समझ कम होती है कंपैरिजन टू बड़े, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनको चीज़ों को ज़्यादा समझ है, तो यार प्लीज़ थोड़ा सा ना, अब मुझे नहीं पता सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे, मैंने उसको भी समझाया, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीनियर्स को भी थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी है, ग्राउंड के अंदर कुछ भी कन्वर्सेशन ऐसी नहीं करनी जिससे आपका मिसबिहेव लगे, आप उसको सम टाइम, कुछ बच्चे ना प्यार से समझते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से शरारती होते हैं उनको मार चाहिए, तो एज ए सीनियर पर्सन एज ए सीनियर प्लेयर आपको उस तरह से ट्रीट करना है, अगर आपने अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है, अच्छी कैप्टनसी दिखानी है, तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना उन प्लेयर्स के लिए बता रहा हूँ जो अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते टीम के हर मेंबर को, तो ये चीज़ अगर ये काबिलियत ये एबिलिटी आपके अंदर है ना तो आप खास हो जाते हो कैप्टनसी के मामले में, और वही चीज़ आपको किसी भी लेवल पर अच्छी कैप्टनसी नेचुरली करवाएगी। तो गाइस आकाश मौर्या इसने ना बहुत बढ़िया बॉलिंग की, सबसे बड़ी बात क्या थी एक कैच मिस जज किया, ये हवा बहुत चलती है खुले ग्राउंड में, लेकिन उसके बाद उसको मतलब बड़ी जल्दी जजमेंट भी कर ली लास्ट टाइम पे, और अच्छा कैच पकड़ा अच्छे बैट्समैन का, और आज इन्होंने बॉलिंग अच्छी की, कमाल की परफॉर्मेंस इनकी, तो गाइस क्लैप कर देना सारे, बहुत बढ़िया वेरी गुड। और किसने बॉलिंग की ये देखिए, बढ़िया छक्का दे दिया मिडॉन की तरफ, और ये शानदार अटेम्प्ट, कमाल की फील्डिंग, कितना बढ़िया कैप्चर हुआ ये। कार्तिक सामना करेंगे लेफ्ट आर्म स्पिनर का, जस्ट शॉट बैक फुट बजाए पुल करके शानदार चौका, अरे यार ओवर पिच बॉल ओवर द कवर मारा शानदार चौका, कमाल की बैटिंग आतिशी बल्लेबाजी, और यहां फिर से बढ़िया गेंद जंगारा जी का, देख रहे हैं कि जंगारा जी क्या कमाल करते हैं, ओवर पिच बॉल, अरे वाह भाई वाह, ब्लैक छक्का जंगारा द्वारा, वेरी गुड, एक शानदार पारी खेल कर आउट हुए कार्तिकेय राणा, एक रन रह गया उस वक्त ही आउट हुए, बढ़िया बैटिंग की इन्होंने, और तेज पारी की बस थी, और बहुत बेहतरीन पारी। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत डिफिकल्ट बॉलर थे, मतलब इतने ज़्यादा डिफिकल्ट बॉलर थे कि मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी उन पर खेलने में, तो यार ये मैच तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, वो बैटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दी हम लोगों ने, थैंक्स टू राणा जी, इन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी, और इसलिए इतने खतरनाक बॉलर भी हमें इजी लगने लगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया, आपका प्लस पॉइंट ये रहा कि आप लड़े भिड़े और अंततः ओपनिंग गए, ओपनर को बाहर से बुलवाया, सम टाइम अच्छा है लेकिन सम टाइम गलत भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बढ़िया, वेल प्लेड, वेल डन, थैंक यू सर।
गाइस तो 9 विकेट से मैच जीत गए हैं। टूर्नामेंट का ये 5वां मैच था, तो होपफुली लास्ट मैच हमारे लिए नॉकआउट रहेगा, तो उसके लिए आप बने रहना। और अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, कमाल की नॉलेजेबल और क्रिकेट रिलेटेड और फन भी हो सकता है। तो गाइज आज इन्होंने बड़ी हर फन मौला खेल दिखाया। हर फन मौला यार, कुछ कुछ हो जाता है, हंस लेना और मज़े ले लेना। तो ये इन्होंने 2 विकेट्स लिए, शानदार बॉलिंग की और साथ साथ 50 नॉट आउट बनाए। तो आज का मैन ऑफ द मैच अंकित सिंह, कमाल की पारी, कमाल की इनिंग, कमाल की कप्तानी। तो गाइज शानदार क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। रनआउट भी था सर, रनआउट भी था, क्या बात है, शाबाश। चलो भाई छुट्टी, अब तुम अपने फोन